मॉर्निंग जोहार, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे फ्रेंड। और जोहार मांती जी के चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो आज मैं पूरा घर का काम ख़त्म करने के बाद, नहाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन। और आज बच्चों लोग के लिए मैं बना दे रही हूँ ठेकुआ, जो कि अभी बच्चे लोग जाएंगे मेरे बाहर खेलने के लिए। तो आज 23 तारीख है फ्रेंड और 24 को निकलेगी मेरी बेटी, तो इसीलिए अभी मैं रास्ते में खाने के लिए मतलब थोड़ा बहुत सूखा चीज़ बना दे रही हूँ, ताकि आराम से जब भी थोड़ा बहुत भूख लगे तो खा लेगी इस तरह से। तो अक्सर बाहर जाती है तो कुछ ना कुछ बनाना ही पड़ता है हमको। और इधर देख सकते हैं अभी मैं ठेकुआ बना रही हूँ, तो ठेकुआ का पूरा चीज़ डाल चुकी हूँ, सूजी और आटा और चीनी को थोड़ा सा गर्म कर ली थी, पानी डाल के पिघला ली थी, ताकि मतलब चीनी ऊपर ऊपर ना दिखे। इससे में क्या है कि हाथ में चिपचिपापन आ जाता है ठेकुआ पकड़ने से, इसीलिए अभी इस तरह से मैं बना दे रही हूँ। तो इधर पूरा चीज़ मिक्स हो चुका है, जो कि ड्राई फ्रूट्स अभी मैं डाल दी थी। और अभी घर का काम तो सुबह ही मैं जल्दी जल्दी से निपटा ली हूँ, उसके बाद ही मैं एक्स्ट्रा ये सब काम कर रही हूँ ताकि जल्दी से हो जाए। और अभी बच्चे लोग का तो पेपर चल रहा है, तो अभी बच्चे लोग स्कूल गए हुए हैं, तो मैं सोची कि चलो अभी जल्दी जल्दी से इधर ठेकुआ बना देती हूँ। तो देख सकते हैं फ्रेंड अभी मुट्ठी बांध के देख रही थी मैं, तो पूरा अच्छे से मतलब आटा लग चुका है, ठेकुआ के लिए तैयार हो गया आटा। और इधर अभी तेल भी चढ़ा लेती हूँ गर्म करने के लिए। और इस बार क्या हो रहा है कि दोनों बच्चे साथ में ही निकल रहे हैं, एक 24 को निकलेगा, एक 25 को निकलेगा इस तरह से। तो थोड़ा सा एकदम क्या बोले, घर एकदम सुना सुना सा मतलब पहले ही से सोचने से लग रहा है। और बच्चे लोग भी बोल रहे हैं कि अभी ज़्यादा दिन का बात नहीं है, एक हफ्ते में ही हम लोग रिटर्न हो जाएंगे और इस तरह से। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड ठेकुआ मैं बना रही हूँ इस तरह से। और अभी हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि कुछ डिज़ाइन डालो, ठेकुआ का सांचा तो मैं रखी हूँ मगर डिज़ाइन मैं जल्दी नहीं बनाती हूँ, हाथ से ही इस तरह से बिस्किट टाइप का मैं आकार दे देती हूँ। तो अभी हमको सोचना भी पड़ रहा है कि कहाँ मैं रखी हूँ, तो फिर बाद में अभी देख सकते हैं। इधर ठेकुआ का सांचा लेके आ गई हूँ मैं, और इधर जल्दी मैं यूज नहीं करती हूँ, बस डिज़ाइन निकालना ही नहीं रहता है, मतलब इसी तरह से बनाती हूँ। तो आज हस्बैंड जी बोल रहे हैं कि डिज़ाइन डालो तो थोड़ा अच्छा लगेगा बच्चे लोग को भी। तो इधर देख सकते हैं, और डिज़ाइन डालने से मतलब क्या बोले, सिर्फ देखने का लुक चेंज होता है, खाने का स्वादिष्ट वैसे ही रहता है, आप जैसा भी सेप दो इस तरह से। तो इधर देख सकते हैं अभी जल्दी जल्दी से मैं बना देती हूँ फ्रेंड। और आप लोग मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी फ्रेंड तो नोटिफिकेशन आप लोग के पास पहुँच जाएगा। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड अभी मेरा तेल भी इधर गर्म हो गया है, तो जल्दी जल्दी से मैं ठेकुआ छान लेती हूँ। और इसको एकदम धीमा ही आंच में छानूँगी ताकि अच्छे से मतलब ठेकुआ पके। और धीमा आंच में छानने से क्या होता है कि थोड़ा एकदम क्या बोले, एकदम क्रंची जैसा एकदम रहता है, इसीलिए बहुत ही अच्छा लगता है, यानी कि खास्ता बनता है। और इधर अभी धीरे धीरे ही मैं पलट दूँगी, और इसको ज़्यादा मतलब क्या बोले एक ही बार में पलटना नहीं रहता है, एक एक करके ही पलटना रहता है, क्योंकि गर्म रहता है और खास्ता रहता है तो बहुत जल्दी ही टूट जाता है। तो इधर देख सकते हैं अभी मैं इसी तरह से धीमे आँच में ही फ्राई करूँगी चलाते हुए, और इसको बस इसी तरह से चलाते ही रहूँगी मैं। तो देख सकते हैं फ्रेंड ठेकुआ का कलर इस तरह से आया है, और एकदम धीमा ही आंच में छानी हूँ तो बहुत ही अच्छा से एकदम पक जाता है, टाइम लेता है पकने में। और इधर अभी मैं जल्दी जल्दी से और भी ठेकुआ डाल दूँगी। तो अक्सर जब भी बच्चे बाहर जाते हैं तो इस तरह से मतलब मेहनत करना ही पड़ता है, और क्या बोले करने में अच्छा भी लगता है कि ताकि बच्चे बाहर भी रहे तो मतलब दो ठेकुआ खा के भी पानी पी ले इस तरह से। और इस बार मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि बेटी बोल रही है कि ज़्यादा कुछ मत बनाओ, क्योंकि हम लोगों को खाने को ऐसा टाइम नहीं मिलता है, तो इसीलिए भी सिर्फ मैं ठेकुआ ही बनाई हूँ। और हस्बैंड जी लेके आ गए थे मटन, क्योंकि अभी बच्चे बाहर जाएंगे तो अच्छे से खिला पिला लेंगे बोल के, क्योंकि बाहर का खाना तो आप लोग को पता ही है कि घर जैसा खाना मिलता भी नहीं है, इसीलिए। और इधर देख सकते हैं मटन भी अच्छे से भुंजा गया है, तो इसमें मैं अभी पानी डाल दूँगी। तो अभी जल्दी से इधर पानी डाल देती हूँ फ्रेंड मटन में। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड, बच्चे लोग का मनपसंद चावल मैं बना रही हूँ। तो इधर तेल भी गर्म हो गया था, तो अभी डाल दी हूँ तेज़पत्ता और जीरा डाल दी हूँ, और अच्छे से जीरा और तेज़पत्ता चटक चुका है। अब इसमें मैं डालूँगी चावल, जो कि मैं धुल के रख दी थी। और चावल को डालने के बाद अच्छे से 2-3 मिनट जैसे मैं चलाते हुए भूंज लूँगी चावल को। तो इधर देख सकते हैं चावल भी भुंजा गया था। तो इसमें मैं पानी ऐड कर दी हूँ, और पानी ऐड करने के बाद जो मैं रखी थी मटर और गाजर, उसको भी डाल देती हूँ। और ये स्वाद अनुसार नमक और चीनी भी डाल देती हूँ, आधा चम्मच। तो बस दोनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है, और नींबू डाल दे रही हूँ। तो इस तरह से बनाने से क्या होता है, चावल भी खिला खिला बनता है, चावल भी वाइट दिखता है, और मतलब एक क्या बोले, नमकीन और हल्का मीठा मीठा लगता है। और इधर देख सकते हैं चावल भी मेरा बन गया है। तो भी मैं आप लोग को दिखाती हूँ कि किस तरह से चावल एकदम खिला खिला बनता है। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अभी कुकर में ही मैं बनाई हूँ, और इस तरह से खिला खिला बनता है। और बच्चों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है, जब भी मतलब मटन चिकन जब भी बनता है तो लोग को इसी तरह का खाना ज़्यादा पसंद आता है। तो इधर देख सकते हैं अभी सबके लिए प्लेट हम लोग लगा दे रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग जल्दी जल्दी से खाना खा लेते हैं। और अभी इधर खाना खाने के बाद अभी हम लोग स्कूल जाने के लिए रेडी हो गए हैं फ्रेंड, देख सकते हैं। और अभी लोग का आज 23 तारीख है, तो ये लोग का आज लास्ट प्रैक्टिस है, क्योंकि 24 तारीख को ये लोग चले जाएंगे वाराणसी। तो इधर देख सकते हैं अभी हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं, और हस्बैंड जी तो ड्यूटी जाएंगे, इसीलिए अक्सर बच्चे लोग के साथ हमको ही जाना पड़ता है हर जगह। तो देख सकते हैं हम लोग अभी ऑटो में बैठ के जा रहे हैं, और अभी स्कूल पहुँचने वाले हैं। फिर आप लोग को दिखाती हूँ स्कूल में भी लोग बच्चे लोग किस तरह से प्रैक्टिस करते हैं। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। तो इधर देख सकते हैं स्कूल पहुँचने के बाद बच्चे लोग जितने क्लस्टर वाले हैं सारे बच्चे, इधर प्रैक्टिस चल रहा है। और अभी मैं दिखाती हूँ मेरी बेटी का प्रैक्टिस, जो कि हाई जंप है इसका। तो देख सकते हैं अभी इस तरह से इसका प्रैक्टिस चल रहा है। और ये लोग का इधर देखिए बहुत सारे बच्चे लोग का भी अभी प्रैक्टिस हो ही रहा है। तो अक्सर इसी तरह से बच्चे लोग के साथ मतलब स्कूल हमको आना ही पड़ता है बच्चे लोग के साथ। तो इधर देख सकते हैं फ्रेंड, अभी प्रैक्टिस करने के बाद अभी 7 बजने वाला है, और अभी हम लोग स्कूल में ही हैं, यानी कि स्कूल के बाहर हैं। और अभी ऑटो का हम लोग वेट कर रहे हैं, अभी ऑटो वाला आने वाला है, उसके बाद अभी हम लोग चलेंगे घर। और बेटी बोल रही कि कुछ ख़रीद लेंगे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अभी हम लोग घर आ चुके हैं, और इधर अभी ये देख रही है सामान कि जो जो ख़रीदे थे वो चीज़ है कि नहीं। और इधर अभी सब्ज़ी भी मैं लेके आ गई हूँ, और बेटा भी आ गया है ग्राउंड से। और इधर देख सकते हैं अभी आ गए हैं हम लोग रूम, और इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि लग रहा है कि खाना बनाऊँगी ही नहीं इस तरह से, मगर 2 बच्चे हैं, हस्बैंड जी है, तो खाना तो बनाना ही पड़ेगा। तो चलिए फ्रेंड, अभी हम लोग खाना पीना बना खा लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग को नेक्स्ट डे। तो देख सकते हैं फ्रेंड, अगले ही मॉर्निंग अभी हम लोग उठ चुके हैं, और इधर बेटी के लिए नाश्ता बना रही हूँ मैं जल्दी जल्दी से। तो इसका फरमाइश था कि नमकीन वाला सेवई बना देना मम्मी बोल के, तो अभी उसी का तैयारी मैं कर रही हूँ। और अभी सुबह का 4:30 बज रहा है और अभी हम लोग को 7 बजे स्कूल पहुँचना है, तो उन्हीं के अनुसार से एकदम जल्दी जल्दी उठना पड़ा है सुबह। और इतना जल्दी जल्दी काम मतलब करना पड़ता है, आप लोग को तो पता ही है ना। और इधर देख सकते हैं आलू और भिंडी का भुंजिया भी बना दे रही हूँ ताकि मतलब दोनों चीज़ें ले के जाए और रास्ता में खाने के लिए भी इसका हो जाए। तो क्योंकि लोग बस से जा रहे हैं और इसीलिए भी देना ही पड़ रहा है नाश्ता। और इधर देख सकते हैं अभी मैं जल्दी जल्दी से रोटी बना लेती हूँ फ्रेंड, उसके बाद मैं आप लोग से मिलती हूँ। और इधर देख सकते हैं फ्रेंड पूरा नाश्ता मैं बच्चे लोग के लिए रेडी कर ली हूँ और इधर सेवई को भी चला के ठंडा होने के लिए रख दी हूँ। इधर भुंजिया भी मैं चला ले रही हूँ और इधर रोटी भी देख सकते हैं मेरा बन गया है। और आज इतना हड़बड़ी में थे कि सुबह का चाय नहीं बना पाए थे, तो अभी सबसे पहले मैं चाय चढ़ा देती हूँ, उसके बाद फिर बेटी के लिए इधर टिफ़िन पैक कर देती हूँ। तो देख सकते हैं अभी टिफ़िन पैक कर दे रही हूँ मैं। और ख़ास करके किसी को कहीं भी जाना रहता है तो इतना ज़्यादा हड़बड़ी रहता है ना कि मैं क्या बोलूँ। इतना जल्दी जल्दी काम कर रही हूँ फिर भी मतलब समय हो ही जा रहा है। तो चलिए फ्रेंड टिफ़िन पैक करने के बाद इधर देख सकते हैं अभी मैं भी रेडी इधर हो गई हूँ और सारा चीज़ अभी डाल दे रही हूँ मैं। और इस तरह से डालने के बाद अभी हस्बैंड जी भी चले गए हैं नीचे गाड़ी निकालने के लिए। और कोशिश करूँगी कि ये वीडियो मैं आज ही अपलोड करूँ, 24 तारीख है। और इधर देख सकते हैं चाय अभी मैं पी रही हूँ और इधर बेटी भी अपना जूता सब पहन रही है। तो अभी चाय पीना भी मेरा हो ही गया है। उसके बाद अभी जितना चीज़ है ले जाने वाला सब चीज़ को फिर भी एक बार याद करवा रही हूँ कि कुछ भूली तो नहीं है। तो अक्सर इस तरह से होता है कि सुबह सुबह एकदम इतना हड़बड़ी रहता है तो कुछ ना कुछ मतलब भूल ही जाते हैं। भले आप 4 दिन से पैकिंग करो या 1 दिन में करो, मगर जाने के दिन तो दोबारा हर चीज़ याद करना ही पड़ता है। तो चलिए फ्रेंड अभी हम लोग चलते हैं स्कूल। और अभी मैं इधर दरवाज़ा बंद कर ले रही हूँ अच्छे से। और इधर देख सकते हैं गाड़ी में सामान पैक हो रहा है और अभी हम लोग चलेंगे। और सुबह सुबह अभी थोड़ा थोड़ा ठंडा ठंडा लग रहा है, यानी कि ठंडी का एहसास होने लगा है। तो इधर देख सकते हैं बच्चे भी गाड़ी पे बैठ चुके हैं। और आज बेटी चली जाएगी 24 तारीख है और इधर बेटा भी चले जाएगा 25 तारीख को, तो मैं उसका भी वीडियो आप लोग के पास शेयर करूँगी। तो ये सब मोमेंट क्या होता है कि कैप्चर होता है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को खास करके कोई भी चीज़ है तो मैं थोड़ा सा अपना वीडियो मतलब यादगार के रूप में ही मैं अपलोड करती हूँ। तो इधर देख सकते हैं अभी मैं स्कूल पहुंच चुकी हूं। और स्कूल पहुंचने के बाद इधर देख सकते हैं अभी कुछ लोग ही आए हुए हैं और सारे बच्चे लोग अभी कुछ ही देर में आ जाएंगे। तो चलिए फ्रेंड इधर देख सकते हैं अभी मैम लोग भी आ गई है। जो मैम को जाना है वो मैम पहले ही आ गई है, बोल रही है कि मैं जल्दी ही आ गई थी। और इधर बच्चे लोग भी आ गए हैं। तो सुबह सुबह देखिए स्कूल कितना खाली है। अभी पेपर चल रहा है बोल के अभी ज़्यादा भीड़ नहीं है, बस क्लस्टर जाने वाले ही बच्चे लोग का भीड़ है और 10th 12th वाले ही बच्चे लोग का क्लास अभी चल रहा है। तो देख सकते हैं स्कूल का नज़ारा इस तरह से अभी दिख रहा है। और अभी धीरे धीरे भीड़ होना भी स्टार्ट हो गया है। तो चलिए फ्रेंड अभी बच्चे लोग का बस भी आने वाला है, तो अभी बच्चे लोग को मैं बस बैठा देती हूँ। और मेरा वीडियो कैसा लगता है फ्रेंड तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आप लोग कहाँ कहाँ से देखते हैं तो भी कमेंट करके बताइएगा, तो बहुत ही अच्छा लगता है इस तरह से कमेंट करते हैं तो। और इधर देख सकते हैं बच्चे लोग बस में बैठ चुकी है, तो इसकी फ्रेंड लोग सब हाई कर रही है। और जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे लोग मेरा वीडियो देखते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। इधर देख सकते हैं बच्चे लोग को। हाय गाइस। और इधर पीछे भी है, तो अभी बस खुली नहीं है, अभी और भी बच्चे इसमें आएंगे। तो इधर देख सकते हैं बच्चे लोग का हाय बाय चल ही रहा है। और इधर मैं दिखाती हूँ कि ये लोग अपना अपना खिड़की साइड बैठ चुके हैं। तो चलिए फ्रेंड आज का वीडियो मैं करती हूँ यहीं एंड। और उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और मेरे चैनल में पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलती हूँ मैं आप लोग से एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।